हाय ब्रीमन मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ ब्लॉग में तो आज मैं आप लोगों के लिए सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ तो चलिए देखने कैसे बनाना है इसके लिए मैंने हरा मसाला तैयार किया है और हरे मसाले में अदरक लहसन हरी धनिया और सूखी धनिया हमने सब पीस कर रख लिया है आ, उसके बाद में हम कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए सोयाबीन हमने पहले पानी में हल्का सा बॉयल कर लिया था नमक डाल के और हमारी सोयाबीन तल चुकी है हमने फ्राई कर लिया उसको अब इधर हमने फिर से कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए उसमें हमने मेथी जीरा और हींग प्याज सबका तड़का लगा दिया है हमारा वो तड़का हो गया था इसमें हम टमाटर ऐड कर दिए हैं और इधर हमने जो सूखा हरा मसाला पीसा था उसमें हम सूखा मसाला डाल दिया तो हमारा टमाटर प्याज जो सब हो चुका था तो हम उसमें अभी हरा मसाला डाल के हरा मसाला हो गया था हमारा पानी ऐड कर दिया पानी हमारा जब हो पक चुका है, चुका है जो मसाला था और इसमें हम सोयाबीन डाल दिए सोयाबीन डालने के बाद आप इसको नमक हमने पहले भी ऐड कर दिया आप सदा सा नमक डाल सकते हो कस्तूरी मेथी हमने मसल के डाल दिया है और अब चलिए देखिए